हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने कल एक आपको वीडियो डाला था जिसमें मैंने क्लियरली आप सभी से एक मतलब निवेदन किया था कि प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए ताकि मैं आप सबको बेस्ट से बेस्ट हेल्प कर सकूं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है स्पेसिफिकली, उन लोगों ने एक कॉमन क्वेश्चन डाला है मेरे पास, जो कि है कि सर प्लीज़ एक ऐसा रूटीन बना दीजिए, एक ऐसा टाइम टेबल बना दीजिए हम सभी के लिए ताकि हम सबको पता चल सके कि हमको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा एक अच्छे से वीडियो बनाया जाए। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। तो पहले तो आप सभी का एक बहुत ही बैड हैबिट रहता है कि आप सब बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते जो मतलब रात को देर तक सोते और सुबह को मतलब देर से उठने का आदत रहता है, जिसके वजह से आप सभी का मतलब बहुत लोगों का ट्यूशन मिस होता है सुबह को, जो कि एक बहुत बुरी बात है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपका जो बायोलॉजिकल जो टाइम स्केल है जो आपका बॉडी मेंटेन करता है, जो कि लगभग आप अगर 21 डेज तक एक टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं तो वो बाद में जाकर नॉर्मल हो जाता है आप सबका मतलब बॉडी के लिए। तो क्या करना है आपको, आपको सुबह जल्दी उठने का एक रूटीन बनाना है। आपको लगभग 5 AM के अंदर अंदर उठ जाना है। 5 AM को आपको उठने के बाद आपको 5:30 तक पूरा फ्रेश हो जाना है। 5:30 के अंदर अंदर मुंह धो के फिर बाहर जाके मतलब जो फ्रेशनेस है उसको मतलब आप लेके 5:30 के अंदर अंदर आपको पूरा फ्रेश होके आपका स्टडी टेबल में बैठ जाना है। 5:30 से 5:40 भी हो सकता है, स्टडी टेबल में बैठ जाना है। अगर आप खुद बनाते हो चाय वगैरह तो ठीक है, नहीं तो आपको फैमिली मेम्बर को बता दीजिएगा कि एक चाय वगैरह कुछ, या फिर चाय जो रहता है मतलब लिकर जो हम बताते हैं सिर्फ पत्ती से जो विदाउट एनी मिल्क, वो खा ले मतलब खाने से अच्छा होगा। नहीं तो कुछ आपका जो ब्रेकफास्ट वगैरह रहता है लाइट वगैरह लाइट फूड वगैरह वो आपको ले लेना है तभी। उसके बाद आपको 5:30 से 6:30 तक खुद का एक पढ़ना है, जो पिछले रात को आपने जो जो पढ़ाई करके छोड़ा था वो फिर से आपको एक बार रिवीजन जैसा करना है। उस समय तक क्या करना है आपको, अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ बायोलॉजी का आंसर हो गया, इंग्लिश का आंसर हो गया, वो सब चीज़ें तभी सीख लेना है, क्योंकि तभी मतलब माइंड फ्रेश रहता है, लेकिन उतना भी फ्रेश नहीं कि आपका फिजिक्स को समझ में आ जाए सुबह सुबह। तो उसके बाद क्या करना है, 6:30 तक पढ़ने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट करना है, रेडी होना है। 7 से लगभग सभी स्टूडेंट्स का ट्यूशन रहता है 7:30 से, तो आपको अच्छे से ट्यूशन में जाना है। ट्यूशन से वापस आने के बाद आपको फिर से नहाना है, फिर फ्रेश होना है और अच्छे से कॉलेज जाना है, क्योंकि आप सभी का कॉलेज कुछ दिन तक तो रहेगा। आफ्टर कॉलेज आपका जब कॉलेज बंद हो जाएगा या फिर कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा तब मैं और एक रूटीन दे दूँगा, लेकिन अभी के लिए ये रूटीन कंपलसरी है। तो तभी तक आप पढ़ लेना, मतलब कॉलेज में चला जाना, कॉलेज के बाद आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद तभी शुरू होता है आपका मेन टाइम टेबल। सुबह तक तो सब हो गया, कॉलेज के आने से बाद आपको पहले तो फ्रेश होना है, खाना खाना है, और आप ट्राई करना कि शाम का जो एक ट्यूशन रहता है उसके पहले आप एक अच्छा सा नैप ले लो। नैप यानी थोड़ा सा सो जाओ आप एक घंटे के लिए। सोने से क्या होगा, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, ट्यूशन में जो जाओगे शाम में उसमें भी अच्छे से समझ में आएगा सब। फिर थोड़ा सा एक नैप लेके उठ के आपको ट्यूशन जाना है, और ट्यूशन में जाकर अच्छे से समझना है, जो लोग मतलब जो टीचर लोग समझ मतलब आपको पढ़ाएंगे वो अच्छे से समझना है। फिर ट्यूशन से वापस आकर आपको मतलब थोड़ा फ्रेश होकर लगभग 8 PM के अंदर अंदर आपको पढ़ाई में बैठ जाना है। 8:30 को पढ़ाई में बैठ जाना है, और तब से लेकर आपको लगभग 12 के आसपास तक आपको पढ़ना है कंटिन्यूसली। बीच में 20 मिनट का सिर्फ एक ब्रेक लेकर खाना खा लेना, और नो मोबाइल दैट टाइम। मतलब 8 बजे से आपको 12 बजे तक आपका जो एक स्टडी आवर रहेगा लगभग 3 आवर्स का रहेगा, क्योंकि बीच में आप खाने के लिए भी जाएंगे। तो ये जो 3 आवर्स का स्टडी है उसमें आप बिल्कुल मोबाइल को अवॉइड करना। अगर पढ़ना चाहते हो मतलब सिर्फ पढ़ाई के लिए मोबाइल को यूज़ करना, अगर कुछ समझना चाहते हो यूट्यूब से तो समझ लेना, लेकिन ये 3 आवर्स आपको ऐसे डिवाइड करना है, क्योंकि आपका कॉलेज कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद आपको ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल अगर रहेगा तो उस प्रैक्टिकल के दिन जाना है, बाकी नहीं जाना है आपको 12 में। मैं बता दूंगा तब क्या कैसे करना है, सबका ऐसा ही सेम रहता है। तो तभी आपको क्या करना है, वो 3 आवर्स जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको एक घंटा 3 सब्जेक्ट्स को देना है, या फिर 1.5 आवर करके 2 सब्जेक्ट को देना है, और 12 बजे के अंदर अंदर तक वो सब कर लेना है। अब अगर आप पहले कुछ दिनों तक मतलब ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा 1 PM तक पढ़ने का, लेकिन उसके बाद ये हैबिट हो जाएगा कि 1 PM तक भी आप पढ़ ले, मतलब 1 AM को रात 1 AM तक आप पढ़ सकते हो, उसके बाद भी आप सुबह को 5 बजे उठ जा रहे हो,
ऐसा होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का साथ होता है ऐसा, थोड़ा बहुत पहले पहले प्रॉब्लम रहता है लेकिन बाद में वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वाला वीडियो जो है, अभी जो रूटीन मैंने बताया, ये प्लीज़ आप कुछ दिन तक कंटिन्यू रखिए, जब तक आपका कॉलेज खुला है। कॉलेज तक जब खुला रहेगा तब मतलब इतना सही नहीं रहेगा, मतलब खुद का सेल्फ स्टडी कम होता है, तो तभी आप कोशिश करना कि कॉलेज में जाकर भी, कॉलेज में अगर क्लास ऑफ है या फिर क्लास नहीं हो रहा है तो उसी बीच भी आप कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ लो। कॉलेज के जो ऑफ टाइम है उसमें प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ बात ना करके कुछ एक अच्छा सा जगह ढूंढ के एक खुद से, तुम खुद से पढ़ सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट का बुक हो गया, इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश का कुछ आंसर हो गया, बायोलॉजी का आंसर हो गया, पॉलिटिकल साइंस का कुछ हो गया, तो वो क्लास के बीच बीच में काफ़ी सारा क्लास ऐसा रहता है जो टीचर नहीं आते या फिर कुछ टीचर आज एबसेंट है, तो उसकी वजह से आपको फ्री समय मिल ही जाता है। तो उसमें प्लीज़ सेल्फ यूटिलाइजेशन करना पढ़ाई का। और जैसे कि आपको पता है कि कॉलेज जब तक ऑन रहेगा तब तक आपको इसी तरह से आपको टाइम निकल के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब कॉलेज ऑफ हो जाएगा यानी कॉलेज में आपको जाना नहीं पड़ेगा, तब तो आपका सारा दिन ही आपका फ्री रहेगा, और आपको तभी मैं बता दूंगा कि तभी आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन अभी के लिए प्लीज़ ये वाला जो मैंने बताया इसको कंटिन्यू करना, और सुबह जल्दी उठने का और रात को देर तक सोने का, मतलब 1 बजे तक, वो आदत आप डाल दीजिएगा इसी बीच। अगर ये आप डाल देते हो अभी तो लास्ट में जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको हेल्प मिलेगा इससे। तो प्लीज़ इसको अच्छे से मेंटेन करना, और अगर कोई भी सजेशंस हो इस वीडियो के कमेंट में बताना, जो कि मैं चेंज ला सकता हूँ आप सभी के लिए। और आपका इंग्लिश क्लास जो है वो आपको कल से मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैडम जो है वो काफ़ी मतलब थोड़े दिन तक नहीं आ पाएंगे, तो मैं कल से आपका इंग्लिश क्लास कंटिन्यू करूँगा, और कल से आपका रेगुलर रहेगा इंग्लिश का वीडियो। और एकदम टेंशन मत करना, कल से आपका इंग्लिश का वीडियो कम्प्लीटली आएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। अगर कोई नहीं पढ़ाएगा आपको तो मैं पढ़ाऊँगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। कल से इंग्लिश का क्लास का वीडियो आएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।